जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन जहर लोधी और आज हम बात करने वाले हैं आलू के ऊपर आए हुए धब्बों के बारे में। क्या जिस चीज के हमको धब्बे नजर आ रहे हैं कि ये इसको हम कहते हैं पोटैटो लीफ स्पॉट, ब्राउन पोटैटो लीफ स्पॉट, ये आलू के बुरे धब्बे हैं या हमारी आलू की जो फसल है उसके ऊपर अगेता जो का हमला चुका है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों के दरमियान फर्क तलाश करेंगे और ये देखेंगे कि जो आलू के बोरे दबे हैं इनको हम कैसे कंट्रोल करेंगे, ये किन वजूहात की बिना पर आती है, इसके ऊपर हमें बैक्टेरिसाइड स्प्रे करना चाहिए या इसके ऊपर हमें फंजीसाइड को स्प्रे करना चाहिए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जितनी भी मुफीद वीडियोस हैं वो उन तक पहुंच सके और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाइएगा। तो हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ कि आजकल हमने देखा कि आलू की फसल जो है वो 40 से 45 दिन से ऊपर तक जा चुकी है, ठीक है, नीचे जो है वो ट्यूबर बनना स्टार्ट हो चुका है लेकिन पत्तों के ऊपर आपको धब्बे नजर आ रहे होते हैं। पुराने पत्तों के ऊपर आपको गोल गोल धब्बे ज्यादा नजर आएंगे, जो न्यू पत्ते हैं उसके ऊपर आपको गोल गोल धब्बे नजर कम नजर आएंगे। अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ एकड़ में बहुत ज्यादा हमला देखने को मिल रहा है और कुछ एकड़ में अभी ये स्टार्ट हो रहा है। तो इस बीमारी को हम कहते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पोटैटो, आलू के बुरे धब्बे। ये एक फंगल बीमारी है जो इस जरासीम को फैलाता है, उसको अल्टरनेरिया अल्टरनेटा, ये एक फंजाई है जो कि इस बीमारी को फैला रहा है। जिस तरह टेम्परेचर गर्म है उतना हमें टेम्परेचर लो नहीं हुआ, हवा में नमी नहीं मौजूद है, तो ये जो इन्वायरमेंट है ये इस बीमारी को सपोर्ट कर रहा है और ये हमारी जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अब फर्क आता है कि हमने ये किस तरह देखना है कि ये जो बीमारी है ये अगेता जलसाऊ है या ये बोरे धब्बे हैं। अगर आप अगेता जलसाऊ को देखें तो अगेते जलसाऊ के अंदर जो आपको धब्बे नजर आते हैं उसके अंदर आपको रिंग बने हुए नजर आएंगे जो कि ब्राउन स्पॉट के अंदर नहीं होंगे। ये पूरे पत्ते को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, पूरे पत्ते के ऊपर भी हमला कर सकते हैं लेकिन अगेता जलसाऊ है, सिर्फ आपको स्पॉट बने हुए नजर आते हैं, ये पूरे पत्ते को कवर नहीं करते। अगेते जलसाऊ में अगर शदीद हमला होगा तो पत्ता आपका पौधे के साथ से अलग हो जाएगा लेकिन बुरे धब्बे के अंदर पौधा का जो पत्ता है वो तने के साथ अटैच रहेगा, उससे अलग नहीं होगा और ये पूरे पत्ते को भी पूरे पत्ते के ऊपर भी डैमेज कर सकते हैं। गेते जलसाऊ में इस तरह नहीं होता, वो स्कैटर्ड स्पॉट होते हैं। लेकिन अब आते हैं हम इसके कंट्रोल की तरफ कि आपको भूरे धब्बों का पता चल गया है, अब काश्तकार ये चाहते हैं कि हमें इसका कंट्रोल बताया जाए। तो बिल्कुल सिंपल सा कंट्रोल है, आपने मार्केट में मौजूद फेमस जो होती है फंजीसाइड उसको देखना, जो कि तीन चार मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मुनासिब रेट पर दस्तियाब है। तो इसके लिए आप डाइफेनाकोनाजोल अज़ॉक्सीस्टोबिन आप 200 ml इसमें मिला के आप स्प्रे करेंगे तो आपको अच्छा कंट्रोल मिल जाएगा। डाइफेनाकोनाजोल अज़ॉक्सीस्टोबिन है, उसके बाद पाइराक्लोस्ट्रोबिन है और इसके साथ इप्रोलायोन जो कि 250 ग्राम है, इसको आप मिक्सचर मार्केट में अवेलेबल है, आप इनका स्प्रे करने से भी ठीक हो जाएगा। इप्रोलायोन जो आपको अलग मिल रहा है उसके बाद आप इन दोनों का स्प्रे करके भी अलग जो मार्केट में इप्रोडायोन मिल रहा है आप इसका 200 ml स्प्रे करके भी अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। उसके बाद अज़ॉक्सीस्टोबिन और क्लोरोथैलोनिल जो कि इसका भी आपको मार्केट में मिक्सचर अवेलेबल है, ये भी 200 ml आप स्प्रे करके इससे अच्छा कंट्रोल ले सकते हैं। बाकी जितनी भी रिकमेंडेशन है आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है, इनमें आपको जो भी आसानी से अवेलेबल होगी दस्तियाब होगी इसका स्प्रे करके आप भूरे धब्बों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपने एक और बात को नोट रखना है कि अगर आपका मौसम में नमी मौजूद होगी, मौसम बादल मौजूद होंगे तो आपने पानी जो है वो कम लगाना है। अगर आपने ठंडे मौसम में या बारिश वाले मौसम में ज्यादा पानी लगा दिया तो ये इस बीमारी के जो है ना वो फैलने के खदशात वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये एक मार्केट में कुछ फेमस जो है वो फंगिसाइड मौजूद है जिनका ब्राउन स्पॉट बुरे धब्बों के ऊपर एक्सीलेंट रिजल्ट है, लेकिन आप मेटल एक्सल मैल्कोजिब का स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे आपकी अगेता जलसाऊ और ब्राउन स्पॉट दोनों कवर हो जाएंगे, लेकिन मेटल एक्सल मैल्कोजिब का बुरे धब्बों के ऊपर इतना अच्छा एक्सीलेंट रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा लेकिन अगेता जलसाऊ के ऊपर इसका आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा। जी शुक्रिया।